अला आलिही व असहाबिही उलिस सिद्क व सफा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर सैयद अल-अंबिया शहंशाह अतिया हसनैन के नाना जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा के बाबा साहिब सिद्क व सफा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही व बारक व सल्लम की बारगाह गुहरबार में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम सामईन ज़वील एहतराम मिंबर नूर पे जलवा अफरोज़ उलमाए किराम अइम्मा मसाजिद हुफ्फाज़े ज़ी एहतिशाम और तुल्लाबे दीन मतीन, अल्लाह का ये शुक्र एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको मुसलमान पैदा किया और उस पर ये एहसान अजीम कि हमें अहले सुन्नत व जमात के अंदर सुबह शाम करने की तौफीकात अता फरमाई। बादहु एहसान अलल एहसान कि हमें पीरे पीरा मीरे मीरा महबूब सुभानी कंदील नूरानी शहबाज लामकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के दामन पाक से मुनसलिक फरमाया और हमारे साथ लफ्ज़ कादरी का लाहिका सुबह क़यामत तक के लिए रोज़े रोशन की तरह वाज़े फरमाया, ताकि इस दुनिया और उस दुनिया में फ़कत हम ये दुआ करते रहते हैं कि कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा शहे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। जितने लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए थे और काफ़ी देर से कुछ बोल नहीं रहे हैं तो मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, 40 मिनट का वक्त है। 40 मिनट में कितनी देर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा ये आपके ज़ौक के ऊपर है, और मैं कोई तकरीर करने का शौकीन आदमी नहीं हूँ कि बस मुझे तकरीर करनी ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल माह मुहर्रम की एक तारीख से आज की तारीख लग चुकी है। परवरदिगार आलम का यह एहसान है कि हर जगह अपना अपने हबीब का उनकी अहले बैत का और अस्हाबे रसूल का जिक्र करता और करवाता रहता, मैं करता हूं और वो करवा रहा होता। अब जितने लोग बैठे हैं जिम्मेदारी के साथ जोर से एक बार जोर से कहिए सुभान अल्लाह, जो पीछे बैठे हो भी हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मैं नारा लगाऊं तो जवाब दे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी जश्न गौसुल वरा जश्न गौसे आजम फैजान गौसे आजम। मेरे साथ ऐसे बने रहिएगा, मौका ब मौका नारा लगा के बता दीजिएगा कि अभी हमारा मजमा जिंदा है। भाई जिंदे की महफिल में आए हैं तो जिंदा ही रहेंगे। उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है, बहुत तमहीद नहीं बांधूंगा, बस सीधा अपनी बात पे और अपनी गुफ्तगू पे आऊंगा। मैं चाह रहा था
कि मैं इमामुल कलाम से गुफ्तगू शुरू करूं, मगर मैं चाह रहा हूं कि नहीं, आज इमामुल कलाम के भी इमाम से गुफ्तगू शुरू करूं, मैं गौसे आजम के कलाम से गुफ्तगू शुरू करूं। फरमाते हैं हल्का बगोशे रसूल सादातम, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, एकदम रिकॉर्डिंग सामने हो रही है, मेरे जाने के बाद सुन लीजिएगा, लफ्ज ब लफ्ज का मैं जिम्मेदार हूं, जो कह रहा हूं उसका जिम्मेदार मैं हूं, जो सुन रहे हैं उसके जिम्मेदार आप हैं। बस आधा घंटा आधे घंटे के बाद आप अपने घर जाएंगे, मैं अपनी मंजिल की तरफ चल दूंगा, बड़ी तेजी के साथ चलिएगा। जश्न गौसुल वरा है, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ तालीम कुरान पे भी गुफ्तगू होगी। मैंने रसूल की वो हदीस पढ़ी है जिसमें हुब रसूल भी है, हुब अहले बैत भी है और क़िरात कुरान भी है। मैं जहां तक चाहूंगा और जहां तक हो सकेगा अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा, आप मेरे साथ चलिएगा। मैं शुरू तो इससे करना चाहता था कि वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। जोर से, मगर मैं इस पे बाद में आऊंगा, पहले मैं गौसे आजम की बात करूं। फरमाते हैं, मैं उलमा की तवज्जो, चूंकि फारसी में ये शेर है, बाद में मैं आपकी सिमातों की दहलीज पे आ जाऊंगा। फरमाते हैं हल्का बगोशे रसूल सादातम, सहे नजात नमूदन हबीब आयातम। ये गौसे पाक का कलाम है, ये उस अर्श निशान का कलाम है जो दुनिया में बैठ के कहता है, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमअन का खर दलतिन अला हकम इत्तिसाल, मैं अपनी हथेली पर दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे राई का दाना देखा है। तो क्या फरमाते हैं, हल्का बगोशे रसूल सादातम, जहे नजात नमूदन हबीबो आयातम, और फिर कहते हैं जगैरे आले नबी हाजते अगर तलबम, रवा मदार यके अब हजार हाजातम। मैं आ रहा हूं आपकी समा, सिर्फ शेर सुन के सुभान अल्लाह कहने का आप जहन छोड़ दीजिए। मैं जो है हर जलसे में ये बात कहता हूं कि थोड़ी सी अगर इल्मी गुफ्तगू हो तो आप बिला झिझक सुभान अल्लाह कह दें, उसका तर्जुमा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। गौसे पाक पीराने पीर क्या फरमाते हैं, हल्का बगोशे रसूल सादातम। अल्लाह भाई गौसे पाक का अकीदा अपनाएंगे ना, गौसे पाक क्या कहते हैं, हल्का बगोशे रसूल सादातम, मैं रसूल और सादात की बारगाह में अदब से बैठने वाला हूं। अच्छा ये कौन कह रहा है, मैं भी थोड़ी देर में वजाहत कर दूंगा उसकी। क्या हल्का बगोशे रसूल सादातम, जहे नजात नमूदन हबीब आयातम, ये जो मैं रसूल और आले रसूल की खिदमत में बैठता हूं, अब्दुल कादिर की नजात के लिए कयामत के दिन यही काफी है। और आगे क्या फरमाया, ज़ग़ैरे आले नबी हाजते अगर तलबम, अगर आले नबी के वसीले के सिवा अब्दुल कादिर ऐ रब तुझसे दुआ करे, रवा मदार यके अब हजार हाजातम। तो परवरदिगार तू अब्दुल कादिर की 1000 दुआओं में से किसी भी दुआ को कबूल मत फरमा। अच्छा जबकि गौसे आजम कौन है, अगर मैं इतने बड़े मजमे से पूछूं तो हर आदमी अपने जौक के हिसाब से बताता है। कोई अगर फकी है तो कहेगा गौसे आजम बहुत बड़े फकी थे, मसाइल को ऐसे चुटकियों में हल करते थे। कोई मुहद्दिस होगा तो कहेगा गौसे आजम वो थे कि इब्ने जौजी जैसा मुहद्दिस अपनी गरीबान को चाक करके कहता है, आज मैंने इल्म की समंदर के किनारे सीपियां चुनने का मुझे आज एतराफ हो रहा है। कोई करामत का दीवाना होगा तो कहेगा गौसे आजम वो है जो मुर्गा जिंदा कर देते थे, जो ठोकर मारते थे तो कब्र से मुर्दा खड़ा हो जाता था, एक वक्त में 70 जगह पे एक वक्त में जाके इफ्तार फरमाया करते थे। कोई कहेगा कि वो इस तरह अशरफियों को निचोड़ते थे, खून के कतरात गिरते थे। कोई कहेगा नहीं, गौसे आजम वो हैं जो अंधे पे हाथ रखे तो उसे आंखें मिलती थी। कोई कहेगा बीमारों के लिए दुआ करे तो शिफा मिलती थी। हर एक का अपना जौक है,
इसलिए कि दुनिया में जौक के मुताबिक इंसान इंसान को पसंद करता है। कोई फिजिक्स के मास्टर को, कोई हिस्ट्री के मास्टर को, कोई केमिस्ट्री के मास्टर को, कोई ज्योग्राफी के मास्टर को, और अगर आलिम है तो किसी को माहिर मंतिक पसंद है, किसी को माहिर फलसफा पसंद है, किसी को मुहद्दिस पसंद है, किसी को फकीह पसंद है, किसी को शायर पसंद है, किसी को दीवाना पसंद है, किसी को फरजाना पसंद है। हर आदमी अपने एतबार से गौसे पाक का तारुफ कराएगा। आओ मैं गौसे पाक का तारुफ उस दीवाने से पूछूं जो आशिक रसूल है, आशिकों का इमाम है, आशिकों का पेशवा है, आशिकों का सरदार है। ऐसा आशिक है, नौ मरतबा मदीने के करीब जाने की कोशिश की, कभी तेल के पीपे में छुपकर, कभी अनाज के बोरे में छुपकर, कभी संदूक के अंदर छुपकर, कभी गड्ढे में खुद को लपेट कर, का जैसे ही मदीने की सरहद के पास आता तो खुद्दाम मदीना, खुद्दाम रोजा मुस्तफा को यह ज़ियारत कराई जाती कि मेरा फला दीवाना फला बक्से में, फला ड्रम में, फला बोरे में छुपकर मुझसे मिलने आ रहा है। उसे सरहद मदीना में आने न दिया जाए, उसे मेरे रोजे के करीब आने न दिया जाए। कह या रसूल अल्लाह, इतना दीवाना है, हर बार वापस भेजते हैं फिर वापस चला आता है। ऐसा फरजाना है, हर बार लौटा देते हो वापस चला आता है। एक बार रोजे पे आने की इजाजत क्यों नहीं अता फरमा देते? एक बार रोजे पे सलाम की इजाजत क्यों नहीं देते? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे खादिम रोजा सुन, वो ऐसा आशिक है, अब्दुल रहमान उसका नाम है, जानी उसका तखल्लुस है। वो अगर मेरे रोजे पे आके कहेगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, उसके इश्क की लाज रखने के लिए मुझे कब्र अनवर से निकल के बाहर आना होगा, मुझे उसका इस्तकबाल करना होगा, मुझे बढ़कर उसके सलाम का जवाब देना होगा। यही वजह है कि मैं उसे बार बार अपने रोजे से दूर करता हूँ, बार बार कब्र अनवर पे आने से दूर करता हूँ। ऐसा आशिक रसूल जो सर्टिफाइड आशिक रसूल है, जिसे गुम्बदे खजरा से इश्क की सनद मिली, वो आशिक रसूल जब कहने पे आता है तो गौसे आजम का तारुफ कैसे कराता है? सुनो, अगर तुम फलसफा और मंतिक के दीवाने हो, तुम हिस्ट्री और सिविक्स के दीवाने हो, तो सुनो तारुफ कैसे होता है, फजीलत कैसे होती है, कमाल किसको कहते हैं, दुर्वेशी क्या होती है। का जब गौसे पाक का तारुफ कराया तो क्या कहा पता है? वस्फे तू चे गोयम ए शहे गौसु सकलैना। सुभान अल्लाह, कह दूं मैं आ रहा हूं, पीछे वाले जोर से, वस्फे तू चे गोयम ए शहे गौसु सकलैना। अल्लाह अल्लाह, क्या कह रहे हैं अल्लामा अब्दुल रहमान जामी? वस्फे तू चे गोयम ए शहे गौसु सकलैना, यानी आपका तारुफ, आपका इंट्रोडक्शन मैं क्या बयान कर सकूंगा ऐ दोनों आलम के गौस, आपका तारुफ तो फकत इतना काफी है, महबूब नबी इब्ने हसन आले हुसैना। अल्लामा शैदा कमाली साहब साहिब तसानीफ़ कसीरा तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ, जाने के बाद शेर न मिले तो फकीर को बुला लेना, मैं स्कैन कॉपी और किताब के साथ हाजिर होऊंगा। क्या फरमाया? वस्फे तू चे गोयम ए शहे गौसु सकलैना, महबूब नबी इब्ने हसन आले हुसैना, सर बकदमत जुमला नहा दंद व गुफ्तन, तल्लाही लकद आसरकल्लाहु अलैना। अरे जरा ऊंचा भी सुन के ऊंची बोला करो, और जोर से फरमाते हैं, आपकी तारीफ मैं यानी अब्दुल रहमान क्या करेगा? ऐ दोनों आलम के गौस, आप कौन हैं? महबूबे नबी, नबी के महबूब हैं, इब्ने हसन, हसन के बेटे हैं, आले हुसैना, हुसैन की आल में से हैं। फरमाते हैं सर्व कदमत जुमला नेहादंद व गुफ्तन, आपका तारुफ ये है कि औलियाए जमाना आपके कदमों में सर झुका के ये कहते नजर आते हैं, तल्लाही लकद आसरकल्लाहु अलैना, खुदा की कसम अब्दुल कादिर, आपके दरवाजे पे हम नहीं आए हैं बल्कि परवरदिगार आलम ने आपके दरवाजे पे भेजा। अजमत सरकारे गौसे आजम,
میں موضوع سے ہٹوں گا نہیں, جناب غوثیت موضوع ہے. اور میں نے عبد الرحمن جامی کو پڑھ پڑھ کے سنایا کیا کہا محبوب نبی ابن حسن. سبحان اللہ, زور سے میرے دوستوں, رسول کے قدموں کے نیچے کی مٹی اگر مل جائے نا تو کائنات عالم کے سر کا تاج بنتی ہے. میں رسول کے جگر کے ٹکڑوں کی بات کر رہا ہوں, میں رسول کے جگر گوشوں کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے خود سرکار اعلی حضرت نے فرمایا خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر, ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام. زور سے سبحان اللہ, اور زور سے جب بھی سلام پڑھیں بعد نماز فجر, بعد نماز, بعد میلاد کے اور بعد کسی جلسے جلوس کے, تو جب نبی پہ پڑھیں تو دو شعر یہ بھی پڑھ لیا کریں تاکہ آل نبی کا بھی حق ادا ہوتا رہے. ابھی نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھا تھا, نماز سے باہر نکل کر اگر آل نبی پہ درود پڑھنے کا جی نہ چاہے اور اندر سے منع کرے تو سمجھ جانا یہ نماز نہیں تھی, یہ منافقت تھی. یہ نماز نہیں تھا, یہ بلکہ اللہ کے احکام سے جی چرانا تھا. یہ نماز وہ نماز نہیں ہے جو بروز قیامت سر پہ تاج بنا کے سجائی جائے گی. اگر نماز کے بعد آل نبی کا ذکر دل میں کسک پیدا کرے تو سمجھ جانا یہ نماز قیامت کے دن لپیٹ کے منہ پہ مار دی. محبوب نبی ابن حسن, زور سے علامہ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی فرماتے ہیں کہ قطبیت کے لیے جہاں تمام فضائل کا جمع ہونا ضروری ہے وہاں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہو. ولایت کے تمام درجات کسی کو بھی مل سکتے ہیں مگر درجہ قطب الارشاد و قطب الاقطاب و قطب المدار اگر کسی کو ملے گا تو صرف و صرف فاطمہ زہرا کے بیٹوں کو ملے گا, سیدہ کائنات کے لخت جگر کو ملے گا. میں نہیں کہہ رہا, یہ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق کی سرہندی فرما رہے ہیں. اور یہ کون ہے ذرا غور فرمائیے گا, کیا کہا محبوب نبی ابن حسن, یعنی رسول کے دو بیٹے ہیں نا, امام حسن امام حسین, حسن کے بیٹے حسن مسنہ, حسن مسنہ کے بیٹے عبداللہ محض, عبداللہ محض کے بیٹے موسیٰ الجون, موسیٰ الجون کے بیٹے عبداللہ ثانی, عبداللہ ثانی کے بیٹے موسیٰ ثانی, موسیٰ ثانی کے بیٹے داؤد الامیر, داؤد الامیر کے بیٹے سید یحییٰ, یحییٰ کے بیٹے سید زاہد, سید زاہد کے بیٹے عبداللہ ثالث, عبداللہ ثالث کے بیٹے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, اور ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا بیٹا پیر پیرا میر میرا شہباز لامکانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی. یعنی بیٹھے ہوئے دیکھیے ذکر اہل بیت جاری ہے. میں آپ سے گزارش صرف یہ کرتا ہوں کہ آپ زندگی کا ثبوت دیجئے, گھڑی کے کانٹے ہمارے لیے کبھی بھی پیروں کی زنجیر نہیں بنتے, جن کا ذکر ہے وہ آگے کاروبار سنبھالتے نظر آئیں گے. زور سے میرے ساتھ مل کے کہیے زور سے کہ یہ ہے باپ کی طرف سے ابن حسن. اب جامی کہتے ہیں آل حسینہ, یعنی حسین کی آل سے ہیں امام حسین, ان کے بیٹے سیدنا سید سجاد زین العابدین, زین العابدین کے بیٹے محمد باقر, محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے, میں اسی لیے یہ بار بار شجرا پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس سے پہلے تو کبھی یہ سنایا نہیں گیا. تو عزیزم میری غلطی تھوڑی ہے یہ سنایا نہیں گیا, یہ تو مصطفیٰ کریم نے ممبر پہ بیٹھ کے سنایا ہے, یہ غوث پاک نے ممبر پہ بیٹھ کے پڑھا ہے, یہ غریب نواز نے پڑھا ہے. جس دن آپ کسی مرشد حقیقی کے ہاتھ پہ بیٹھ ہوئے تھے تو شجرا دستخط کر کے دیا گیا تھا. کبھی فرصت میں بیٹھ کے شجرا پڑھتے تو معلوم یہ ہوتا یہ وہ نام ہے, اگر پڑھ کے بیمار پہ دم کرو تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. زور سے, اور میں نہیں کہہ رہا, علامہ امام ابن ماجہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نام ہے, اگر پڑھ کر مریض پہ دم کرو تو اس کو شفا مل جائے, شفا مل جائے, پیچھے والے شفا مل جائے. کیا سمجھے آپ,
कि दो किस्म के मरीज होते हैं दुनिया में, एक दिल का मरीज, एक दिमाग का मरीज। अगर दिमाग का मरीज होगा तो पागलपन दूर होगा, दिल का मरीज होगा तो दौरा और पड़ेगा, नजासत और पड़ेगी। और मैं पहले कहता हूँ कि दिमाग के मरीज के लिए आले मोहम्मद का शिफा खाना है, और दिल के बुख्स के मरीज के लिए जहन्नम का बुच्चर खाना है। भाई उसकी भी तो जरूरत है ना। अगर बात ना समझ में आए तो खड़े होकर पूछ लीजिएगा, ये बात समझ में नहीं आई, ताकि मैं विस्तार से बता सकूं। क्या आले हुसैना हुसैन की आल है? कैसे? सैयदना इमाम हुसैन, उनके बेटे सैयद सज्जाद। अरे नाम लेते रहो, सीने पे दम करते रहो, मजमे से उठने से पहले शिफा न मिले तो मुझे कहना, मगर उसके लिए यकीन जरूरी है। मौलाए रूम कहते हैं कि उनके इलाके में एक चरवाहा रहता था, वो अपनी मस्जिद के इमाम के पास गया, कहा हुजूर एक मसला बहुत बड़ा है। कहा क्या? कहा मैं गरीब आदमी हूँ, चरवाहा हूँ, बकरियां चराने नदी के उस पार जाता हूँ, मेरे पास कश्ती नहीं, मल्लाह रोज ले जाने ले आने के दो आने ले लेता है, मैं गरीब आदमी इतने अखराजात कैसे बर्दाश्त करूंगा। मौलाना साहब ने कहा सुन, अब जब भी जाना हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, दरिया पे कदम रखना, बकरियां हाँक के दरिया पे ले जाना, खुदा तुझे पार लगा देगा। ये कह के उसे दफा किया। महीनों गुजर गए, ये इमाम साहब भी किसी काम से गए उस तरफ, शाम ढल गई, कश्तियां पलट दी गईं, मल्लाह घरों को चले गए, खड़े इंतजार कर रहे थे कि इतने में चरवाहा आया, अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम, क्या मसला है? का मसला कुछ नहीं, कश्तियां पलट दी गई, मैं कैसे जाऊंगा? अच्छा बता तू कैसे जाएगा? तो मुस्कुरा के कहने लगा हुजूर उस दिन आपने ही तो तजवीज बताई थी ना, बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया पे चला कर। मैं उसी दिन से बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, दरिया पे चलता हूँ, मेरी बकरियां भी चल के गुजर जाती हैं। आइए नुस्खा आपका है, अमल कीजिए। कब बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रखा, चपाक से पांव दरिया में गया, कीचड़ में अंदर घुसने लगा, पलटे पलटे का तू कैसे जाता है? तो मुस्कुरा के रूमी कहते हैं एक है इल्मुल यकीन, एक है इल्मुल बयान। जब यकीन का इल्म आता है तो बिस्मिल्लाह भी कश्तियां पार लगा देता है, और इल्मुल यकीन न हो तो पूरा कुरान घोल करके पीते रहिए, कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से आले मोहम्मद का नाम शिफा है, लेते जाइए शिफा होती जाएगी। अब मेरे साथ जल्दी से पढ़िएगा, मैं इस पे वक्त नहीं लगाना चाहता। क्या इमाम हुसैन, हुसैन के बेटे सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे जाफर सादिक, उनके बेटे मूसी काजिम, उनके बेटे इमाम अली रिजा, अली रिजा के बेटे मोहम्मद जव्वाद, मोहम्मद जव्वाद के बेटे अबुल यूसुफ, अबुल यूसुफ के बेटे अबू साले, अबू साले के बेटे अबू मोहम्मद, अबू मोहम्मद के बेटे जनाब मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे महमूद, महमूद के बेटे अब्दुल्ला सुमई, अब्दुल्ला सुमई की बेटी फातिमा तबरेजिया, हौसे पाक की वालिदा, इब्ने हसन, इब्ने हसन, आले हुसैना का। जब कोई इब्ने हसन आले हुसैना होता है तो क्या होता है? कफिर कहते हैं सर्व कदमत जुमला नेहा दंद व गुप्तन, फिर तमाम अपने सर कदमों में रख के कहते हैं अब्दुल कादिर मैं नहीं आया बल्कि खुदा ने तेरी बारगाह में हमें भेजा। अब आइए हम सरकार गरीब नवाज अताए हिंद, हमारी गर्दनों के मालिक, विलायत हिंदुस्तान के ताजदार, भारत चिश्तियत की राजधानी है, यही वजह है अब्दुल कादिर जीलानी के बेटे सैयद अब्दुल वहाब, उनके बेटे अब्दुल रहीम और उनका बेटा अली अहमद अली साबिर कलियर, जोर से है कादरी, भारत में अगर विराजमान है तो चिश्तियत के रंग में, साबरियत के रंग में, फरीदियत के रंग में, निजामियत के रंग में। तो भारत के ताजदार, विलायत के शहसवार सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से पूछे आप बताइए, तो फरमाते हैं चू पाए नबी शुद ताजे सरत, ताजे हम आलम शुद कदमत। मैं अपनी बात करूं तो क्या करूं, बड़ों की बात से बड़ों को समझो, क्या बात है। जोर से पीछे वाले जो आखिर तक बैठे हैं, क्या फरमाया? चू पाए नबी शुद ताजे सरत, ताजे हम आलम शुद कदमत,
कि जब से नबी के कदम ए अब्दुल कादिर आपके सर पर पड़े हैं, फिर से चूप पाए नबी शुद्ध ताजे सरत, जब से नबी के कदम ए गौसे पाक आपके सर पर पड़े हैं, ताजे हमा आलम शुद्ध कदमात, दुनिया के तमाम ताज आपकी ठोकरों पे आ गए हैं, और से अख्ताबे जहां दर पेश दरत, मुख्तादा तू जू शाहो पेश गदा, जोर से दुनिया के अख्ताब आपके दरवाजे पे ऐसे खड़े हैं जैसे बादशाह के दरवाजे पे फकीर कासे गदाई लिए खड़ा होता है। और आगे कहते हैं मुई के गुलामे नामे तुशुद, शुद्ध ख्वाजा आजम के गुलामे तुशुद, गौसे आजम के फजाइल है ये कि मुईन जब से आपके नाम का गुलाम हुआ है, ख्वाजा हो गया है जब से आपके नाम का गुलाम, जोर से मुल्तान के सुल्तान ख्वाजा ज़करिया मुल्तानी जब कहने पे आए तो क्या का गौसे पाक की बारगाह में कोई जुमला हल्का सा नाफिज हुआ, विलायत चली गई, गली गली करिया करिया घूमा करते थे, कोई पुरसाने हाल न था। मुर्शिद ने कहा अब्दुल कादिर भी इस दर्द की दवा है, वहीं जा, अगर वो दस्ते शफकत रख देंगे तो तुझे खुदा विलायत लौटा देगा। तो अब जब पहुंचे हैं तो कैसे पता है, गले में डाला पट्टा और उसकी बनाई रस्सी और अपने गुलाम के हाथों में दिया और दे के कहा अब्दुल कादिर के दरवाजे पे ले चल, पीराने पीर के दरवाजे पे ले चल, गौसे आजम के दरवाजे पे ले चल, अब जो रस्सी पकड़ के चले और अब्दुल कादिर जिलानी पीरे पीरा मीरे मीरा शहबाज ला मकानी के मुबारक दरवाजे पे पहुंचे तो सुनो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी क्या कहते हैं, पता है, बदिल दारम मिलाए तू, बजादारम वफाए तू, फकीर है तू गदाए तू, गदाए बे नवाए तू, मुहैयुद्दीन सुभानी कुनम हदम सना खानी, सगे दरगाहे जीरा शो चुखाही कुर्बे रब्बानी, कर शेरा शरब दारत सगे दरगाहे जीरा शो। इब्रानी जबान में नहीं पढ़ रहा, ये वो जबान है जो हमारी हमारी मौरूसी जबान है, जिसे हमने छोड़ दिया है, जिसे हमने तर्क कर दिया है। क्या कहा पता है, बदिल दारम विलायत तू, अब विलायत आपकी दिल से मानता हूँ, बजादारम वफाए तू, आपका जान से ज्यादा वफा करने वाला हूँ, फकीर है तू गदाए तू, मैं आपका फकीर हूँ, आपका भिकमंगा हूँ, गदा भिकमंगे को कहते हैं, आपके दर से भीख मांगने वाला हूँ, और क्या फकीर है बेनवाए तू, यानी सारे लोग बुलाने पे आए हैं, मैं वो हूँ जो बिन बुलाए आया हूँ, कासे गदाई में टुकड़ा डालिए, फकीर है बेनवाए तू, फकीर है बेनवाए तू, मुहैयुद्दीन सुभानी कुनम हरदम सना खानी, सगे दरगाहे जीला शो सुखाही कुर्बे रब्बानी, तो सुनो अगर अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हो तो बस एक काम करो, अली के दर के कुत्ते बन जाओ, जोर से, अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हो तो अब्दुल कादिर के दर के कुत्ते बन जाओ। मैंने कहा ये कुत्तों का प्रोग्राम कहां से आया, का सूरे कहफ में है, असाबे कहफ गार में थे, कुत्ता बाहर बैठा था, फरिश्ते आते कुत्ते को पलटते, फिर अंदर जाते और जाके वलियों को करवट बदलते, क्यों, जिस्म को मिट्टी खराब न करे, ड्यूटी लगाई गई कि वलियों के जिस्म को पलटो, बाहर निकलते तो कुत्ते के जिस्म को भी पलट देते। उलमा मुफस्सिरीन फुकहा मुहद्दिसीन और तमाम औलिया लिखते हैं कि असल में वो बरकतें जो औलिया के दर पे बरसती थी उसका हिस्सा इस कुत्ते को भी मिलता था जो दरवाजे पर बैठा था। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान पे तो जोर से कह दो, जो दरवाजे पे बैठा था उसको भी हिस्सा मिल रहा था। अब समझे हम डरे औलिया पे क्यों जाते हैं, अब समझे डरे गौस पे क्यों जाते हैं, डरे अली पे क्यों जाते हैं, करबला क्यों जाते हैं, अजमेर क्यों जाते हैं, डरे साबिर क्यों जाते हैं, ये डरे मखदूम फकी अली माहिमी और हाजी अली बुखारी क्यों जाते हैं, क्यों, जितनी रहमतें उन पे बरसती हैं फरिश्ते छींटे हम पे भी बरसाते हैं। दरवाजे पे कुत्ता जो है उसको करवट दे करके निकल जा रहे हैं,
और कुरान में इसी की तफसीर में उलमा फरमाते हैं कयामत में जब वो औलिया जन्नत में डाले जाएंगे तो उनके कुत्ते को भी पीछे से जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जोर से। और मैं पूछना चाहूंगा कि अस्हाबे कहफ को विलायत कैसे मिली, मैं पूछना चाहूंगा कि आले हबीब को विलायत कैसे मिली, मैं पूछना चाहूंगा आसफ बिन बरखिया सुलेमान के दरबार में बैठने वाले को विलायत कैसे मिली। तो काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती तफसीर मजहरी और अल्लामा आलूसी जवाब देते आए जाएंगे लम यबलुगु अहदुम मिन उम्मिस साबिकती अला दरजतिल औलिया इल्ला बितवस्सुत रूहे अली इब्ने अबी तालिब। जोर से मैं तर्जुमा सुनाऊंगा पहले सुभान अल्लाह तो कह दो। क्या कहा? कोई पिछली उम्मतों में भी यानी आदम से लेके ईसा तक की उम्मत में अगर कोई वली बना है तो उसी वक्त वली बना है जब उसके सर पे दस्तारे विलायत अली ने रखी है। जोर से। तो मैं वही सोचने लगा कि जब अली के शागिर्द का कुत्ता जन्नत में जा सकता है तो अली के गुलाम को जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है? क्या कहा? बदिल दारम मिलाए तू बजा दारम वफाए तू फकीर तू गदाए तू गदाए पे नवाए तू मोहीउद्दीन सुभानी कुनम हरदम सना खानी सगे दरगाहे जीना शो। क्या कहने शाहे जीला के दर का कुत्ता बन जा तो क्या होगा? चुखाही कुर्बे रब बन जा। अल्लाह का कुर्ब पाना चाहता है तो गौसे आजम के दर का कुत्ता बन जा। आप कहोगे मौलाना ये बात, मैं कहा ये बात मैं नहीं कहता, मकतबे देवबंद की किताब है अलफाजातुल यौमिया, आप उठा के पढ़ें। लिखने वाला देवबंदी, छापने वाला देवबंदी, हमारे किसी भी अकीदे विलायत पर जो औलिया अल्लाह से रखते हैं उन पर उनका अकीदा नहीं। वो मजारात पे जाने को मना करें, वो फैज पाने को मना करें, वो कब्रों से फैज उठाने को मना करें, वो भी जब लिखने पे आए तो इफादातुल यौमिया में लिखा कि कौन कौन हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का इंतकाल हुआ, किसी ने देखा कब्र ऊपर से खुली हुई है, अंदर हाजी साहब बैठे हुए कुरान की तिलावत कर रहे हैं, हर तरफ अनवार तजल्लियात, हर तरफ नूर, हर तरफ रोशनी, अंदर खिलात पहने कुरान की तिलावत, खुशबू से पूरी कब्र मुअत्तर है। आगे जाके पूछा, ए हाजी साहब किबला पीरो मुर्शिद ये बताइए ये कब्र में अनवार ये तजल्लियात ये हर तरफ रोशनी ये खुशबू ये मुअत्तर मुअत्तर कब्र और ये खिलत और ये सारी आसाइशें कैसी मिली? तो पलट कर ये नहीं कहा कि मैं चिल्ले में जाता था तुम भी जाया करो, मैं फला काम करता था तुम भी किया करो, मैं फला जगह दौड़ लगाता था तुम भी लगाया करो, मैंने पूरे के पूरे माथे पे खामी कबाब का निशान बनाया था तुम भी बनाया करो। नहीं बल्कि सुनिए अलफादातुल यौमिया में है जब पूछा गया ये जन्नत की आसाइशें ये नेमतें कैसे मिली तो देखा देख के मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा सगे दरगाह है जीला शौ चुखाई कुर्बे रब्बानी जाके सुना दे पूरे देवबंद को कि गौस के दर का कुत्ता बन जा अगर तू अल्लाह के करीम होना चाहे। एक बार जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब मैं बहुत सारे कलाम तो नहीं पढ़ूंगा वरना आप कहोगे मुशायरा हो रहा है, मुशायरा नहीं है। हमारे अकाबिर अपने अकीदे को कलाम की सूरत में पेश करते थे। हाँ अब सुनिए, अगर मैं इमामुल कलाम का मक्ता न पढ़ूंगा तो यहाँ पे बहुत सी कसर बाकी रह जाएगी और हक के खिताबत अदा न होगा, इसलिए सुनिए मक्ता में क्या फरमाया आला हजरत ने। फरमाते हैं तेरी सरकार में, पीछे वाले जोर से, तेरी सरकार में, हाय हाय, तेरी सरकार में, हाय हाय, रहता है रजा उसको शफी। अल्लाह 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 अल्लाह। नहीं जब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे मैं आगे क्यों बढ़ूंगा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा खास है और लाडला भेजा तेरा। सुभान अल्लाह तो कह दिया आपने, मैं मिंबर वालों से मुखातब नहीं हूँ, मैं नीचे वालों से मुखातब हूँ। सुभान अल्लाह तो कह दिया आपने, समझे क्या? ये मिंबर इसलिए लगाया जाता है, ये हजारों का खर्चा इसलिए किया जाता है कि जान छोड़ के नारे लगाएं और घर पे चले जाएं और पता भी ना चले कि क्या नारा लगाया
पता भी नहीं चले क्यों सुभान अल्लाह कहा। अब मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ और आपकी सुभान अल्लाह समझने वाली होनी चाहिए। तेरी सरकार में, तेरी सरकार में मौलाना इस्लामुल्लाह साहब किला तशरीफ फरमा है, क्या कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा होश है और लाडला बेटा तेरा। क्या वजह क्या बनी शफात के लिए लाने की, वजह क्या बनी सिफारिश के लिए लाने की, वजह क्या बनी वसीला बनाने की, क्या वजह बनी? गौसे आजम मुर्दा जिंदा करते इसलिए लाया, गौसे आजम कुतबियत के मनसब पे है इसलिए लाया, गौसे आजम बहुत बड़े अल्लामतुद्दहर हैं इसलिए वसीला बनाया, गौसे पाक जो है वो मुर्गा खा के उस पे हाथ रखते हैं तो हड्डियां खड़ी हो जाती हैं, कुरान में इसका सबूत है जनाब उज़ैर के गधे की, कोई इधर उधर न भागने की कोशिश करे है उसका भी दलील कुरान में मौजूद है। तो बताइए इसलिए लाया नहीं, सिंपल सी बात कही, मेरा गौस, गौस मेरे लिए, ख्वाजा मेरे लिए, मखदूम मेरे लिए, सालिक मेरे लिए, दाता मेरे लिए, आका मेरे लिए, बंदा नवाज मेरे लिए, गरीब नवाज मेरे लिए, मखदूम मेरे लिए, आपकी बारगाह में सिर्फ इसलिए लाया हूँ कि लाडला बेटा तेरा, कि आपका बेटा है उसकी रगों में खून आपका दौड़ रहा है, ये काफी है मेरी शफात के लिए और मेरी सिफारिश। होना तो ये चाहिए था कि हुजूर आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह मैं 1000 किताबें लाया हूँ, मैं हदाई के बख्शिश लाया हूँ, मैं अपना इश्तिहाद लाया हूँ, मैं अपनी फिक्र लाया हूँ, मैं दिफाए नामे से रिसालत का जो है जज्बा लाया हूँ, मैं इश्क रसूल लाया हूँ, मैं हुब्बे अहले, मैं जो है हुब्बे रसूल लाया हूँ, मैं खिदमत कुरान लाया हूँ, मैं खिदमत हदीस लाया हूँ, मैं खिदमत तफसीर लाया हूँ, मैं इल्म के अंबार लाया हूँ, मैं मंतिक व फलसफा लाया हूँ, मैं आया हूँ तो नहव व सर्फ लेके आया हूँ, मैं दरसगाह लेके आया हूँ, मैं खानकाह लेके आया हूँ, मैं पीरी मुरीदी लेके आया हूँ, नहीं ये कुछ नहीं कहा। कहा तो क्या कहा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, इसलिए कि आला हजरत जानते हैं कि इल्म रह जाएगा पीछे निस्बते रसूल आगे चली जाएगी, फिक्र रह जाएगी पीछे निस्बते रसूल आगे चली जाएगी, शायरी रह जाएगी पीछे निस्बते रसूल आगे निकले। तेरी सरकार में लाता है उसको शफी, अकीदा वही लो जो बड़ों ने दिया, क्या बात है, अकीदा वही लो जो बुजुर्गों ने दिया, अकीदा वही अच्छा होता है जो बड़ों से मुतवातिर मुसलसल तसलसल के साथ चला आ रहा हो, जो से आप घबरा तो नहीं गए ना, मैंने कोई अभी तक वाकया सुनाया नहीं, मैंने अभी तक कोई फजीलत सुनाई नहीं, अभी तक मुर्दों को जिंदा होना सुनाया नहीं, अभी तक मैंने आपके सामने वो करामात नहीं सुनाई जो आप हर बार सुनते हैं। अगर उससे मुश्ताक हैं आप तो कल आप चल तशरीफ लाइएगा, कल आपको जरूर करामात सुनाई जाएगी, मगर आज सिर्फ और सिर्फ फजीलत गौसे आजम सुनिए, जोर से पीछे वाले जोर से, ये कहा ये कहा आला हजरत ने कि मैं अपनी किताबें, अपनी खिदमत, अपनी हुब, अपनी मोहब्बत ला रहा हूँ, नहीं, क्या फरमाया जानते हैं, रास्ते का फकीर भी जानता है, अगर दिलशाद फारूकी को दुआ देनी है तो ये कहो अल्लाह तेरे बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तेरे घर में बरकत अता फरमाए, भाई 100 रुपए दे दे, 50 रुपए दे दे, 1000 रुपए दे दे, 10 रुपए दे दे, अल्लाह तेरे खानदान में बरकत दे, नया जोड़ा आ रहा है का अल्लाह तेरी शादीशुदा जिंदगी में बरकत दे, यानी फकीर को भी पता है किससे कैसे मांगा जाता है, जोर से, फकीर को भी मालूम है किससे कैसे मांगा जाता है, जब मालूम है कैसे मांगा जाता है तो फकत ऐसे मांगा जाता है, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ, जब बड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ है ना, अब उस नमाज फजर के बाद भी पढ़ते होगे, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, वाह वाह जोर से बोलो, या इलाही रहम फरमा, जोर से, या इलाही रहम फरमा, या रसूल अल्लाह करम कीजिए, मुश्किलें हल करो, मुश्किलें हल कीजिए शहे, जोर से, मुश्किलें हल कर शहा मुश्किल कुशा के वास्ते, है ना भाई, हाँ या ना तो बोलिए, जोर से,
ये मेरे रोजाना के विर्द में है, मैं रोज पढ़ता हूँ इसको। मुश्किलें हल कर शाह मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रश शहीदे करबला के वास्ते, सैयदी सज्जात के सदके में साजिद रख में, इल्मे हक दे बाकरे इल्मे हुदा के वास्ते, सिद्द के सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगदम राजी हो काजिम और रिजा के वास्ते। क्योंकि जब इमाम अली रजा अपनी बारगाह में मारूफ करखी के सर पर दस्तशब्द रखते हैं तो मारूफ करखी से यह सिलसिला बढ़ता हुआ सरकारे मौल सरकारे शेष पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी तक पहुंचा। कभी अगर सिलसिला उठा के देखा होता तो पता चलता कि सरकार गौसे पाक के जब वो चादर इनायत हुई जिसको आपने कंधे पे रख के कहा कि कदमी हाजही अला रहमत कुल्ले वलीला, वो चादर कहाँ से मिली, वो खिलात कहाँ से आई। इमाम हसन अस्करी ने दुनिया से जाते वक्त आखिरी वक्त मारूफ करखी को बुला के वो चादर दे के कहा यह हमारी खानदानी इज्जत वकार, यह हमारी विलायत की चादर है, उस चादर को फला शख्स तक पहुंचाना है। मारूफ करखी ने जुनेद बगदादी को दिया, जुनेद बगदादी ने यह अमानत अली हसन हिंकारी को दी, अबुल अली हसन हिंकारी ने यह अमानत जनाबे अबू सईद मखजूमी को दी, अबू सईद मखजूमी ने यह अमानत पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दे के कहा अब्दुल कादिर ये घर की अमानत घर वाले तक पहुंचा रहा हूं। जब कांधे पे चादर रखी और खिलात अपने पहनी तो पहनकर मिंबर पर चढ़कर कहते हैं क्या नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान तखर दलतिन अला हक मितसाल अनल जीयो इस्मी मुहयुद्दीन व आलामी अला रासिल जमान, मैं जीलान का रहने वाला हूं, मेरा नाम मुहयुद्दीन है और मेरे नाम के झंडे बड़े बड़े पहाड़ों पर गड़े हुए। कभी आपने मिंबर पे गौसे पाक को खड़े होकर के दुआ करते देखा तो बहुत से पाक से पूछा कि सरकार बताएं वो दुआ तो बताएं जो पढ़ के दम करते हैं मुर्दा खड़ा होता है, तो मुस्कुरा के कहेंगे वो दुआ क्या बताऊं, बस इतना समझ ले ज़गैर आले नबी हाजतें अगर तलबम रवा मदार यकयाद हजार हाजतम, परवरदिगार अगर अब्दुल कादिर बगैर आले मोहम्मद के वसीले से तुझसे हजार दुआएं करे तो तू उसकी एक भी दुआ को कबूल मत। मैंने अभी स्क्रीनशॉट यहीं बैठे बैठे लेके ऊपर रख लिया कि शायद किसी को दलील की जरूरत हो हवाले की जरूरत हो तो लेता चला जाए। मुझसे ये मत कहना कि मैंने नहीं सुना मैंने नहीं पढ़ा मुझको अभी तक नहीं बताया गया, इसमें गलती हमारी थोड़ी है, ये तो गौसे आजम ने बता दिया है। आप उस तक पहुंचे नहीं, फारसी समझ के छोड़ दिया तो आपने छोड़ा है, हमने नहीं छोड़ा। हम तो गौसे पाक को ऐसे जानते हैं, हम पीराने पीर को ऐसे जानते हैं कि बगदाद की धरती है, मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, सामने फलासफा बैठे हैं, सामने हुक्मा बैठे हुए हैं, सामने बड़े बड़े उलमा तशरीफ रखते हैं, सामने मुहद्दिसीन का मजमा है, फुकहाए बगदाद बैठे हैं। गौसे आजम कहते हैं मिंबर पे चढ़ने से पहले मेरे पैरों के ऊपर कपकपी तारी हुई, इन पढ़े लिखे लोगों के बीच, इन अरबियों के बीच ये आजम का रहने वाला क्या बोलेगा। कभी ये ख्याल आया था कि सामने मुस्तफा करीम तशरीफ लाए, नाना जान तशरीफ लाए, आपके जद्दे करीम तशरीफ लाए, का अब्दुल कादिर डरता क्यों है, मिंबर पे चढ़ जा, का नाना मुझे खौफ है, मैं इस पे जाऊंगा कुछ बोलूंगा ये पढ़े लिखे लोग मेरी गरिफ्त न कर ले, का मुंह खोल, का जब गौसे पाक ने मुंह खोला ना तो सरकार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन सात मरतबा दहने अक्दसे गौसे पाक में डाला, जा चढ़ जा मिंबर पे, अब गौसे पाक मिंबर पे चले, का मैं बोलना चाहता था मगर हिम्मत नहीं होती थी, मैं बोलना चाहता था मगर हिम्मत नहीं कर पाता था, अल्फाज निकल नहीं रहे थे, लफ्जों की जुमलों की तरतीब नहीं बैठ रही थी, कि इतने में देखा कि नजफ अशरफ से करम हुआ है, मेरा जद्दे करीम मौलाए कायनात हल्लाल मुश्किलात गालिब कुल गालिब मेरी मानो ना मानो मेरी मानो ना मानो मैं ये बात अच्छी लगे ना लगे मगर मैं बात तो वो कहूंगा जो बड़े ने कही है, मेरी अपनी बात की हैसियत क्या है, खुद हुजूर आला हजरत फरमाते हैं फतावा रज़विया शरीफ में तमाम अख्ताबे जहां इसी दर से हुकूम पाते हैं, सरवरों पे सरवरी अफसरों पे अफसरी से तमाम अहकामे अज़लो नसब कुन मकुन जोर से तमाम अहकामे अज़लो नसब विलायत देना विलायत छीनना जोर से, और अज़लो नसब का माना एक ये भी है कि चाहे तो अर्श कुर्सी को जगह से हटा सके, ये भी उलमा ने गुलाम अली नक्शबंदी ने इसको लिखा है दुर्रुल मआरिफ के अंदर, क्या फरमाया तमाम अहकामे अज़लो नसब
अता व मना, विलायत देना विलायत छीनना, जोर से कुन व मकुन, इसी साते मर्तबा वाला किदार से शर्फ इंजा पाते हैं। फरमा रहे हैं कि तमाम अख्ताबे आलम इसी दर पे आते हैं, सब सरवरों पे सरवरी इसी अली की है, सब अफसरों पे अफसरी इसी अली की है। किसी को क्या देना है क्या नहीं देना, क्या लेना है क्या वापस नहीं करना, क्या अता करना है किससे मना करना है, तो ये सब के सब अहकाम इसी दर पे आते हैं। अली कहते हैं दे दो तो विलायत दे दी जाती है, अली रोक देते हैं तो विलायत रोक दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, दबा के साथ दिल बोला, कमी बोली फलक बोला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, बस मेरे साथ चलिएगा, मैं बहुत दूर नहीं ले जाना चाहता आपको, बस यहीं रखना चाहता हूँ, यहीं रहिए ताकि आपको पता चले कि विलायत मिलती कैसे है, विलायत है क्या शायद, विलायत कहते किसको है। विलायत अगर आप चाहो कि बहुत सारी नमाजें पढ़ के मिल जाएंगी तो मुझे एक वली दिखाओ जो नमाज पढ़ के वली बना होगा हुआ हो, मगर आपको मैं फहरिस्त औलिया में कसीर औलिया ऐसे दिखाऊंगा, कभी कोई सैयद से हारा तो जुनेद बन गया, कभी किसने जूतियां उठाई तो हलोले दाना बन गया, कभी किसी ने वजू को पानी दिया मारूफ करसी बन गया, कभी किसी ने जानू तलबुस तय किया बायजीद मुस्तादी बन गया, कभी किसी ने कपड़े तय किए तो सरी सख्ती बन गया, जोर से कभी कोई हाकिम बना, कभी कोई निसाई बना, कोई अहमद इब्ने हम्बल बना, कोई मालिक बना, और कभी हमने देखा कि बरेली के रास्ते में किसी ने कांधे पे सैयद का पालकी उठाई थी तो आलम यह हुआ कि उसे मुजद्दिद ज़माना माना गया, उसे आला हज़रत नहीं मिलता। खिदमत अहले बैत तो सादात से क्या नहीं मिलता, और तमाम सादात की असल को कहते हैं अली, असल नस्ल सफा वजह वस्ल खुदा, बाब फसल विलायत पे लाखों सलाम। जोर से और जोर से, मुर्तजा शेर हक अशजउल अशजई साथिये शीरो शरबत पे लाखों सलाम। मैं कहूं सरकार क्या कह रहे हैं, ये क्या फरमा रहे हैं, साकिया शीरो शरबत का क्या मतलब है, तो फलत के आला हजरत कब्र अनवर से पुकार के कहेंगे इसका मतलब ये है कयामत के दिन उसी की प्यास बुझेगी जिसे अपने हाथों से अली हौज कौसर पिलाएंगे। मौलाए कायनात को अगर किसी ने हौज किसी ने साकिया हौज कौसर कहा है तो वो जात आला हजरत उठाइए फतावा रजविया शरीफ ताकि आपको पता चल जाए। कुरान मुकद्दस में मेरा इरशाद फरमा रहा है, ईमान वालों अल्लाह से तकवा इख्तियार करो और सादिकीन की जमात के साथ हो, जोर से और जोर से, आखिरी बात तो रख लू ना, आखिरी बात तो रख लू ना, क्या ऐ ईमान वालों अल्लाह से तकवा इख्तियार करो। अब इसकी तफसील फिर कभी, ये तकवा कहते किसको हो, बस एक जुमले पे कूनू मा सादिकीन, हो जाइए सादिकीन के साथ। जब उर्दू में तर्जमा होगा तो तर्जमा होगा सच्चे, मगर सच्चे सादिकीन का मकसद और माना और मफहूम बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि उर्दू जबान है मांगनी चंदे की जबान, चार पांच जबानों से लेके बनी है, और अरबी जबान जो है वो कुदरत की जबान है, परवरदिगार की जबान है, सरकारी जबान है, मुस्तफा करीम की जबान है, कुरान की जबान है, अपने अंदर सैकड़ों मानव मफहूम लिए हुए हैं। बस एक जुमले पे बात खत्म कर दूं अजीजाने मोहतरम, कि इमाम राग़िब अस्फ़हानी कहते हैं सादिक सच्चा वो है जो हो चुकी बात को सच सच बताए, सादिक वो है जो कह दे वो हो जाए। ये दो मिनट की बात कर रहा हूँ आपकी सुबह अल्लाह के साए, सच्चा वो है जो हो चुकी बात को सच सच बताए, सादिक वो है जो कह दे, जोर से बोलिए जो कह दे। नहीं समझ में आई बात अखबारुल अखियार में है कि गौसे पाक के घर में चोर आया। अखबारुल अखियार शेख अफलक मुहद्दिस दहलवी की किताब है, दुनिया में जितने फिरके हैं हर फिरके के नजदीक मोतबर आदमी की बात कर रहा हूँ। क्या लिखा, क्या लिखा कि घर में चोर आया,
ऐसे ऐसे रखा, जुब्बा जाने लगा, दरवाजे पे पहुंचा तो बाहर से किसी ने दरवाजा ठोका। जल्दी से दरवाजा खुलने से पहले वो भाग के जाके छुप गया चटाई के पीछे। गौसे पाक ने दरवाजा खोला, कौन था खिज्र, क्यों आए हो? का फला इलाके के अब्दाल का इंतकाल हुआ, किसी की ड्यूटी लगाई। गौसे पाक ने यही कहा, सुबह आना, मेरा पुराना मुरीद दूंगा जो बहुत नमाजी, बहुत रोजेदार, बहुत तकवे वाला। नहीं, मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा वो चटाई के पीछे जा, अब्दाल छुपा बैठा है, लेके जा। वो आए, कहा अब्दाल साहब तशरीफ ले चलिए। उसने कहा, अरे मैं चोर हूँ। कहा, नहीं तुम अब्दाल हो, मैं चोर हूँ, तुम अब्दाल हो। छीना झपटी मची तो जनाब खिज्र मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, मुझे पता है तू चोर था, अभी अभी ज़माने सादिक ने तुझे अब्दाल कह दिया तो अल्लाह ने तेरा नाम चोरों की फहरिस्त से निकाल के अब्दालों की फहरिस्त में। चलो सादिकीन हो जाओ, सादिकीन के साथ वो जमात जो कह दे तो खुदा कर दे। जो बात रह गई, 23 तारीख को आप कहां पे आना है? 23 नवंबर को इंशाअल्लाह इसी गोवंडी में जो है वो शायद गौसे पाक के झंडे पे 14 नंबर पे, हाँ बैगन आड़ी 14 नंबर पे आइएगा। बात यहीं से शुरू करेंगे, बस बात इतनी सी है, सरकार गौसे पाक के नाना की खान का है और अंदर से एक औरत बाहर निकली, ऐसे बच्चा लपेटे हुए है और रो रही है औरत सारो कतार। गौसे पाक खेल रहे हैं, 4 साल की उम्र है, दौड़े हुए आगे आए, माई क्या हुआ, क्यों रो रही है इतना दारो कतार? का बच्चा बीमार था, दम कराने आई थी, फुकवाने आई थी ताकि शिफा मिल जाए, रस्ते में बच्चा मर गया, उम्मीद के साथ आई थी, बुजुर्ग ने दिलासा दिया, घर में चले गए, एक ही सहारा था, शोहर भी मर चुका है, ये जब पेट में था तो मेरे शोहर का इंतकाल हुआ, अब मैं क्या करूंगी, मैं सिन्ने रसीद हूं, मैं आखिरी उम्र को पहुंच चुकी हूं, अब औलाद कैसे होगी, बुढ़ापे का सहारा क्या होगा। ज़ारो कतार रोती थी, उसके रोने को देखकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी पीराने पीर को रहम आ गया, मुस्कुराए, तब माई क्या कहती है, बच्चा मर गया, कपड़ा हटा के देख, ये तो खेल रहा है, ये तो हाथ पैर मार रहा है, ये तो मुस्कुरा रहा है, ये तो बोल रहा है। जब कपड़ा हटाया तो बच्चा हाथ पैर मार रहा है, मुस्कुराता नजर आ रहा है। वहां से अब्दुल्ला सुमई नाना बाहर आए, फौरन समझ गए ये अब्दुल कादिर की जबान है, ये सादिक के वक्त की जबान है। का डंडा लिया, का अभी से कुदरत के राज और अपनी विलायत के राज लोगों पे जाहिर कर रहे हो, और दौड़ाया गौसे आजम 4 साल की उम्र आगे आगे, आपके नाना पीछे पीछे, दौड़ते दौड़ते मोहल्ले के कब्रिस्तान में गुजरे, और जैसे ही अंदर गए तो मुर्दों को मुखातब करके कहा, कब तक कब्र में सोओगे, मेरा नाना डंडा लेके आ रहा है, मुझे बचाओ। तो कहना था, 300 मुर्दे खड़े होकर पुकार के कहने लगे, सच्चा होना और है सादिक होना। जोर से और इस पर मोहर लगा के आखिरी बात इब्ने तैमिया ने जो कही, मेरे देख में हर दुकान का मसाला है, मेरे दुकान में हर एक के लिए सौदा है। इब्ने तैमिया ने कहा कि दुनिया में कसीर औलिया अल्लाह हैं, तकदीर की खिड़की के सामने सब हाथ बांध के खड़े हैं, और जब अच्छी तकदीर गुजरती है तो शुक्र करते हैं, बुरी तकदीर गुजरती है तो सब्र करते हैं। मगर अब्दुल कादिर जीलानी वो मर्द खुदा, वो कलंदर ऐसा वली कामिल है कि जब तकदीर के खिड़की के सामने घुटनों के बल हाथ बंद करके खड़ा है, जब अच्छी तकदीर गुजरती है तो शुक्र करता है, जब बुरी तकदीर गुजरती है तो तकदीर को रोक कर अपने रब की बारगाह में मुंतजी हो जाते हैं, और जब तक बुरी तकदीर को अच्छी तकदीर से बदलवा नहीं लेते, उसे आगे बढ़ने नहीं देते, उसे आगे जाने नहीं देते। इसीलिए पुकार के गौसे पाक ने कहा, यदि अला मुरीदी का समाई अलल अर्श, मेरा हाथ मुरीदों पे ऐसे है जैसे आसमान जमीन को घेरे हो। इसीलिए मुस्कुरा के गौसे पाक फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, मेरे मुरीद खौफ न कर, अल्लाह मेरा रब है, कयामत में सिफारिश करूंगा, तुझे बख्श देगा, तुझे माफ कर देगा। और फिर इसीलिए पुकार के मैं बार बार कहता हूं कि इस शेर को याद रखो, अकीदा बनाओ, अपने पास लिखो, रोज सुबह शाम देखो, ताकि याद रहे कि गौसे पाक थे कौन, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शकी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा।